हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमकुंदा नेचुरल ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर गुड। तो आज की वीडियो में अपने आपके साथ शेयर करूंगी अपना आई शेडो कलेक्शन। जो जो मेरे पास आई शेडोज हैं वो सारे आपको दिखाऊंगी एंड उसकी पिगमेंटेशन भी आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी एंड प्राइस भी जिसका पता है उसको बता पाऊंगी, जिसका नहीं पता है अंदाजा देख बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो, बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड शेयर करना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, लाइक करना ना भूलना, कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये है मेरे आई शेडोज, बहुत ज्यादा नहीं है बट ये भी मेरे लिए बहुत है। सबका वैसे भी यूज तो होता नहीं है, जिसका भी मतलब एक साथ तो किसी का भी यूज नहीं होता है, बट यही है जिसको कभी कोई होता है कि एक कलर की पसंद के एक कलर की वजह से हम एक पूरा आई शेडो पैलेट खरीद लेते हैं, एक या दो कलर जो भी पसंद आते हैं। तो इसलिए मेरे पास अभी फिलहाल में इतने ही है। तो एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। एंड स्टार्टिंग रेंज जो मेरी है वो 250 रुपीज है, 250 रुपीज स्टार्टिंग रेंज है एंड हाइएस्ट जो है वो 2000 तक है। तो चलिए मैं आपको दिखा दे, तो सबसे पहले वाला मैं ये दिखाऊंगी और ये मैंने बहुत ज्यादा यूज भी किया। अभी देख सकते हो आप इसमें दो तीन कलर जो आई शेडो है वो तो लगभग खत्म ही होने वाले हैं, इतना मैंने इसको यूज किया है। तो ये हुडा ब्यूटी का ड्यू पैलेट है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मैंने इसको परचेज किया था। इसका इसका ब्लैक कलर देखिए, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है। ये मैंने ये फर्स्ट टाइम इसी को खरीदा था जब मैंने मैट में जो मेरी शुरुआत थी आई शेडोज की, सबसे पहले मैंने यही परचेज किया था। तो देख सकते हो उसका ब्लैक कलर का, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है, मुझे अच्छा लगा था। इसके पिगमेंटेशन अच्छी है, ये देखिए काफी अच्छी है, मतलब प्राइस वाइज बहुत अच्छी है। ये वाला कलर तो मैंने बहुत ज्यादा यूज किया, अगर आपने मेरी वीडियोज देखी है तो आपको पता होगा मैं ये वाला पैलेट कितना यूज करती हूँ। ये देखिए कितनी पिगमेंटेशन है, ये देखिए वाओ, सच में काफी पिगमेंटेड है, प्राइस वाइज बहुत अच्छा है। एंड इसका इसके जो शिमर्स हैं वो तो ऑसम है, सच में इसके शिमर्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं। ये देखिए कलर काफी पिगमेंटेड है, मैं आपको इसके शिमर्स दिखा देती हूँ, बहुत ही पिगमेंटेड है इसके शिमर्स, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे इसके शिमर जो हैं। ये देखिए काफी अच्छे हैं, ये देखिए बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है, आप सारे देख सकते हो सारे कलर काफी अच्छे पिगमेंटेड हैं एंड आई लव दिस पैलेट। मेरा फर्स्ट है एंड मुझे बहुत पसंद है, इस प्राइस वाइज तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब आपको दूसरा पैलेट दिखाती हूँ अपना। दूसरा है ये वेट एंड वाइल्ड का, वैसे तो इसका प्राइस 599 पता नहीं 499 ऐसे कुछ करके, बट ये 250 में मैंने लिया था इसको भी, और इसको भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। इसकी भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी पिगमेंटेशन, ये देखिए सुपर। ये देखिए ये ट्रांजिशन शेड है और इसकी शिमर शेड भी दिखा देती हूँ आपको, काफी अच्छा है। तो ये भी मेरा फेवरेट है, ये जितने भी आई शेडो मेरे पास जितने भी पैलेट हैं वो मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही देख परख के ही लिया है। मैं जितना भी सामान लेती हूँ बहुत ज्यादा उनके रिव्यूज देखती हूँ, वीडियोज देखती हूँ, उसके बाद में मैं कोई चीज परचेज करती हूँ। मेरे को डर लगता है कि मेरे पैसे जो है वेस्ट ना जाए, तो इसलिए मैं बहुत ही देख परख के कोई भी सामान खरीदती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट खरीदती हूँ बहुत अच्छे से। तो चलिए अब मैं तीसरा पैलेट दिखाती हूँ आपको। तीसरा पैलेट है ये स्विस ब्यूटी का HD प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है और इसके कलर्स देख रहे हो आप, कलर्स कितने प्यारे कलर है इसके अंदर। ये कलर देख के ही मुझे मेरा मन हुआ था इस पैलेट को खरीदने का, और ये देखिए इसमें
ये नीचे के कलर जो है 1 2 3 4 5 6 7 यही मैट है, उसके बाद में ये सारे शिमर है। मुझे बस एक ही चीज़ इसके अंदर सही नहीं लगी थी कि इसमें मैट बहुत ज़्यादा कम है, बाकी शिमर कुछ शिमर ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा शिमर हैं ऐसे जो अच्छे हैं, बट कुछ शिमर कलर पिगमेंटेड नहीं है बहुत ज़्यादा और उतना शाइन नहीं करते हैं शिमर, तो इसलिए वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। बाकी आपको मैट का पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। और ये ग्रीन वाला, आई लव दिस कलर, ग्रीन वाला तो मेरा फेवरेट है इसमें। ये देखिए इस ग्रीन वाले की पिगमेंटेशन देखिए, बहुत प्यारी पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा प्यारी। अभी देखिए मेरे फिंगर से निकला भी नहीं है, इतनी ज़्यादा हाथ में भी लग गया है। देखिए ग्रीन वाले की भी अच्छी है और इस रेड वाले की भी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। और बाकी शिमर्स हैं तो कुछ शिमर ऐसे हैं जिनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये देखिए, तो ये मेरा तीसरा है और इसको मैंने खरीदा था 600, अराउंड 600 के लगभग मैंने इसको कुछ खरीदा था। अभी ध्यान नहीं मेरे को अच्छे से इसका प्राइस, बट ये 600 के आसपास ही कुछ था ये। तो मैं नेक्स्ट आई शेडो पैलेट आपको दिखाती हूँ अपना। नेक्स्ट मेरे पास ये है मेकअप रेवल्यूशन का, मेकअप रेवल्यूशन लंदन करके इस पैलेट का नाम है। 30 आई शेडोज इसके अंदर है और इसकी आउटर पैकेजिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर पीछे शेड भी दे रखे हैं, यही वाले शेड अंदर मिलेंगे इसके। और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी पैकेजिंग तो मुझे आउटस्टैंडिंग लगी थी इसकी। अभी देखिए अंदर से कुछ इस तरीके का है, बाहर और अंदर की पैकेजिंग का कलर सेम है। तो अंदर दिखा देती हूँ कैसा है। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये ट्रांसपेरेंट आता है ताकि ये आई शेडो खराब ना हो। यहाँ पे ब्रश था, वो अभी ब्रश मैंने रख दिया है, उसके इसके साथ ही फ्री आता है। आपने मेरी अगर वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि कैसा ब्रश है इसका। तो अभी देखिए इसके कलर्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, स्मोकी आइज वगैरह करने के लिए तो परफेक्ट है ये वाला पैलेट। और इसकी पिगमेंटेशन वाव, मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास इतनी। और इसका ब्लैक कलर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ये देखिए कितना पिगमेंटेड है इसका ब्लैक कलर, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। और ये देखिए ब्राउन, मैंने ये तीन कलर आपको दिखाती हूँ, इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ कहाँ ब्राउन, बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा स्मोकी आईज इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखिए मैं आपको और कलर दिखाती हूँ पिगमेंटेड, देखिए आप कितना है ये। ये देखिए कितना पिगमेंटेड है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पैलेट है ये। और इसका आई थिंक ये 2000 के समथिंग कुछ मिलता है, बट ये मुझको, आपको यकीन नहीं होगा, मुझको ये 750 के अराउंड ये मुझको मिल गया था। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था, बहुत सारा सामान लिया था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए थे, तो उसके साथ में और प्राइस कम हो गया था, तो मुझे 650 का लगभग पड़ा था। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पैलेट है, बहुत ज़्यादा मतलब सारे पैलेटों में से मेरा ये सबसे ज़्यादा फेवरेट पैलेट है। अब तो चलिए आपको नेक्स्ट पैलेट दिखा देती हूँ अपना, इसको हटा देती हूँ पहले तो, मैं पूरा हाथ ही भर गया मेरा। एंड नेक्स्ट मेरे पास ये है पैलेट, ये है ग्लिटर आई शेडो पैलेट है और ये भी मेरा फेवरेट है। इसकी पिगमेंटेशन भी अमेजिंग, ऑसम पिगमेंटेशन है इसकी। और स्विस ब्यूटी मिडनाइट स्पार्कल करके इसका नाम है ग्लिटर आई शेडो पैलेट, इसका भी मैंने रिव्यू किया है। मैंने वैसे सबका रिव्यू किया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो 01 इसका यहाँ पर नंबर है, ये शायद नंबर से मिलता है मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे 01 इसका नंबर दे रखा है। एंड आउटर पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है ताकि आप अंदर से देख सकते हो कलर क्या है, किस तरीके के कलर है अंदर, तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है इसमें।
अंदर की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, स्टडी है काफी एंड ब्यूटीफुल है, देख सकते हो काफी ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। बाहर से ही पता चल जाता है कि कौन कौन से इसमें कलर हैं। एंड जो ओपन होता है ये भी काफी अच्छे से ओपन हो जाता है एंड क्लोज हो जाता है अच्छे से। ट्रैवल फ्रेंडली भी है। और देखिए कलर दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए अब इसकी पिगमेंटेशन आपको दिखा देती हूँ, हल्के से टच में ही काफी ज्यादा आ जाता है। ये देखिए ना, कुछ ऐसा लग रहा है सूख गया है, मैंने काफी टाइम से इसको यूज नहीं किया है। ये देखिए काफी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी, सारी दिखा देती हूँ आपको इसमें। अभी तक मैंने इसमें एक दो कलर ही ज्यादातर यूज किए हैं, अदरवाइज मैंने कलर यूज नहीं किए हैं, सिर्फ मैंने जो रिव्यू किया था उसी में ही दिखाया था सारा सबकी पिगमेंटेशन, इसलिए लग रहा है कि ना ये रखे रखे सूख गए हैं। काफी अच्छी पिगमेंटेशन है। और ये मैंने लिया, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से, मेरे सारे आई शेडो पैलेट फ्लिपकार्ट के ही हैं। हाँ सारे फ्लिपकार्ट से ही लिए हैं मैंने। और ये 300 के अराउंड कुछ था ये पैलेट, और ये काफी ब्यूटीफुल है, पैकेजिंग भी काफी ब्यूटीफुल है, रेट वाइज भी काफी सही है, स्विस ब्यूटी जाना माना ब्रांड है एंड इसके भी प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं। तो ये मेरा पैलेट है, अब मैं नेक्स्ट सिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट मेरा लेटेस्ट पैलेट है जिसका मैंने अभी हाल फिलहाल में ही रिव्यू किया है, इसको अभी मैंने मंगाया कुछ दिन पहले ही, और ये भी बहुत ब्यूटीफुल पैलेट है इसका। इसके बारे में तो बहुत लोगों को पता होगा एंड इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा चर्चे हुए थे इसके, इस पैलेट के बहुत लोगों ने रिव्यू भी किया है एंड अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो, आपको पता ही होगा। मैंने अभी इसका रिव्यू किया है, सबके स्वेचेस भी दिखाए थे, हैंड स्वेचेस भी दिखाए थे, मैं फिर भी आपको दोबारा से दिखा देती हूँ उसका, सबके नहीं दिखा पाऊंगी आपको। ये देखिए पिगमेंटेशन देखिए गाइस कितनी अच्छी है, और ये वाला पैलेट मेरा ब्यूटीफुल पैलेट है इसमें, इस कलर में। और ये जो मैंने आई मेकअप किया है वो यही वाला, इस वाले पैलेट से किया है, इस ऑरेंज वाले से किया है। ये देखिए पैलेट का मतलब बहुत अच्छा है, और ये देखिए हल्का सा टच करने पर इसके ग्लिटर्स तो ना स्विस ब्यूटी जो मैंने अभी दिखाया था उससे भी ज्यादा अच्छे मुझे पसंद आए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये देखिए कुछ कलर ऐसे हैं जो इसमें पिक नहीं होते हैं, पिगमेंटेड नहीं है, बाकी बहुत कलर ऐसे हैं जो बहुत पिगमेंटेड हैं और ब्यूटीफुल भी हैं, आपको दिखा देती हूँ। काफी अच्छे हैं। तो ये वाला पैलेट मैंने लिया है 460 रुपीज में, ओनली 460 रुपीज में इतना अच्छा पैलेट मिल गया एंड ग्लिटर्स भी इसके अंदर इतने मिल जाते हैं, हर पैलेट में ग्लिटर है, अब दो किसी में तीन है, और प्राइस वाइज भी काफी अच्छा है, तो प्राइस वाइज के हिसाब से मुझे ये बहुत पसंद आया था एंड तो यही है मेरे पास पैलेट, और ज्यादा नहीं है बट ये भी बहुत है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।